अरे करेजा लोग, यहाँ पे यूपी बोर्ड ने ना जारी कर दिया मॉडल पेपर, फरवरी वाला, एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर है, देख लेना, जाके देख लो। सभी लोग इसको बता भी दिए होंगे, अभी तक तो आपको ज्ञान दे ही दिए होंगे सभी बच्चे लोग कि भाई साहब अब यूपी बोर्ड ने क्या किया है, यहाँ पे जारी कर दिया है। तो देन मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं क्लास 12th इंग्लिश का है, जो कि यूपी बोर्ड ने लेटेस्ट मॉडल पेपर जारी किया है। आपको मैं पूरा इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, तो दिक्कत बिल्कुल मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा कि अरे सर जी दिल पे ले लिए, पता नहीं आप करवाएंगे कि नहीं। यार भरोसा रखिए, एसके मिश्री आपके साथ है और पूरा आपको ये सोल्यूशन देगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके पास कितने दिन का वक्त बचा हुआ है जरा सोचिए। अब आपके पास 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब ये बचे हुए 2 से 3 महीने के वक्त में ना फोड़ना है। क्या करना है? फोड़ना है सर, हमें ये 100 में 100 फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। और मुझे आशा है कि शिवम सर बिल्कुल फोड़वाएंगे, तो बिल्कुल मैं आपको आ गया हूँ तोड़वाने के लिए 100 में 100, और आप तोड़ेंगे। चाचा से बोल दो, एग्जामिनर चाचा से, सर खोपड़ी में अच्छेद करेंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। पहले आप देखिए बहुविकल्पी इसमें सॉल्व करा देते हैं जो सॉल्व करने लायक है, बाकी जो बचेगा उसका तो डिटेल वीडियो कम से कम 40 से 50 मिनट का तो वीडियो रहेगा ना यार, तभी तो मजा आएगा। ये 10-20 मिनट में कुछ नहीं उखड़ने वाला, वन शॉट वीडियो, धुआं धुआं सब कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पे टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। गुरुजी 15 मिनट काहे के लिए दिया है? देखने के लिए? अरे नहीं, 15 मिनट में ये डिसाइड करिएगा कि हमें सबसे पहले किस प्रश्न का चुनाव करके उसका सही उत्तर लिखना है। क्योंकि एक शब्द कहा जाता है, शब्द नहीं यार वाक्य कहा जाता है गुरुजी, शब्द काहे की बात होती, वाक्य बोलिए ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहला प्रभाव ही सर एग्जामिनर के ऊपर अंतिम प्रभाव डालना है। यानी कि अगर पहला हम लोग कर दिए सही सही, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ जो भी बच्चा अब लिखा हुआ है सब कुछ क्या किया है, सही सही ये उत्तर मेंशन किया है। तो ये चीज होता है। नोट में लिखा है यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, और दोनों खंडों का आपको उत्तर देना क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे खंड क्या है, खंड क है। खंड क में प्रश्न नंबर पहला है, देखिए खंड क में प्रश्न नंबर पहला और दूसरा ये 10 बहुविकल्पी रहेंगे। प्रश्न नंबर एक में क ख ग घ अंग 5 बहुविकल्पी, प्रश्न नंबर 2 में भी 5 बहुविकल्पी क ख ग घ अंग, कितने कुल मिला के आपके 10 बहुविकल्पी पेपर में आएंगे, ठीक है ना, हिंदी से। बाकी व्याकरण से भी आपके बहुविकल्पी आते हैं, ऐसा नहीं है गुरुजी हिंदी से आएंगे, अरे व्याकरण से भी आते हैं। पहला यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है इस निबंध के लेखक कौन है। वैसे तो 4 ऑप्शन दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या फिर रामकृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। क्या हो जाएगा? संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद है। एकदम टिक लगा लो यार, बिल्कुल आने वाला आपका पेपर है। फिर ख वाला यहाँ पे है लल्लू लाल की रचना है, जो लल्लू लाल की रचना है वो कौन सी है सर? सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है, या रानी केतकी की कहानी है। तो जो लल्लू लाल की रचना है सर वो है यहाँ पे प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी सर? लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है सर? प्रेम सागर है, दूसरा वाला राइट आंसर। फिर ग वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? पर्दा कहानी के लेखक हैं, जो पर्दा कहानी है इसके सर लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। तो जो सर पर्दा कहानी के लेखक हैं वो हैं यशपाल। यशपाल किसके कहानी लेखक लेखक हैं? पर्दा कहानी के लेखक है। एकदम रट डालो यार, रटने वाले प्रश्न एकदम। घ वाला यहाँ पे है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, जो आवारा मसीहा है इसके रचनाकार कौन कहे माने जाते हैं? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर रांगे राघव। तो जो आवारा मसीहा है इसके रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर जो है यह आवारा मसीहा के रचनाकार कहे जाते हैं। अंगा वाला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, जो सर बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव सड़ग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बिल्कुल छाप लीजिए, एकदम छापने वाला है। गुरु जी क्या यही आएगा क्या पेपर वा में? अरे हाँ यार यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। रट लो, क्लियर है करे जा लो, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं बा, माओ परेशान ना एक बार पेपर वाम जा बैठ के चलाया था एक एग्जाम में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर दो है, प्रश्न नंबर दो का क है यहाँ पे, क्या है? कामायनी किस युग की रचना है? जो कामायनी है यह किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग। तो जो सर कामायनी है यह किस युग की रचना है? तो यह है सर जी छायावादी युग। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है सर कामायनी। कौन सी है? छायावादी युग की रचना है कामायनी। ख वाला सर बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? सर निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर? या रामधारी सिंह दिनकर। जो जो सर जी प्रगतिवादी युग का कवि है वो है यहाँ पे अग्रदास जी। किसके कवि हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ग वाला यहाँ पे है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा माना जाता है? 1941, 1943, 1954, 1947। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, 1943 माना जाता है। कौन सा? 1943 सर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं, यानी कि इसमें तीन है एक नहीं है। सुप्री प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, भारत भारती द्विवेदी युग की रचना है, और साकेत भी क्या है? द्विवेदी युग की रचना है, लेकिन कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कामायनी सर द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अंगा वाला है, अष्ट छाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। अष्ट छाप के जो कवियों का संबंध है किस काल से सर? राम राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से? तो जो सर अष्ट छाप के कवियों का संबंध था वो कृष्ण भक्ति, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति जो शाखा थी इससे संबंधित था। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करके छाप देगा, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे आपका आएगा गद्यांश, देख सकते हैं प्रश्न नंबर तीन, यहाँ पे गद्यांश है, 10 नंबर का गद्यांश है। क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, इन सबकी जांच पड़ताल करना क्या है? आवश्यक है। यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश का संदर्भ, धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ, मतलब कि यहाँ पे शीर्षक पाठ का क्या आपको लिखना है? शीर्षक गद्यांश में, संदर्भ में, और लेखक। तो जो शीर्षक है वो क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है सर। राष्ट्र के स्वरूप लेखक कौन है? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। क्लियर है ना, अग्रवाल भाई साहब हैं। फिर यहाँ पे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्योंकि धरती माता कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी के कारण क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। बाकी आप इसका आंसर कर लीजिएगा। और यहाँ पे तो ये तो अशोक के फूल से लिया गया है यार, क्योंकि अशोक का फूल यहाँ पे है तो समझ लीजिए अशोक का फूल ही है। तो गद्यांश कैसे हो जाएगा? अशोक का फूल, और लेखक कौन है? हजार प्रसाद द्विवेदी है। बस बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र, नहीं, हाँ, डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी है। तो इस प्रकार से इसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश आ जाएगा। पद्यांश देखिए 10 नंबर का पद्यांश आएगा, ये भी कर लेना, कोई इशू नहीं। बाकी इसका तो मैं पूरा पूरा सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन ना लो। गद्यांश पद्यांश ऐसे मैं अप्रोच पे करवाऊंगा ना, ये 5 उंगलियों पे सॉल्व करूंगी, गारंटी मेरी है, भरोसा कीजिए। मैं जो वीडियोस दिया हूँ टॉप 1 के वीडियोस थे, और मेरी यही प्रयास है कि जो मैं लेके आऊं वो सॉलिड एवं क्रिस्टल वाले होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आपका समझ रहे हैं कहाँ से लिया गया है। लज्जाशील पथिल पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, मैंने इसको आपको कराया भी था, ठीक है ना। श्रद्धा मनु से लिया गया है।
इसको कर ही लेना, दो ठो दिया है, दोनों में से कोई एक कर लेंगे, 10 नंबर मिलेगा। फिर देखिए उन्होंने बोला है, मॉडल का मतलब है कि उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार देंगे। कभी कभी क्वेश्चन वहां से उठ जाते हैं, ये समझ लीजिए कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आपके फंसे ही जाएंगे पेपर में। अगर ये मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पेपर में फंसेंगे, देन इस मॉडल पेपर को आप तैयार करके ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद त्रिवेदी, आचार्य एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव सड़ग्रवाल, ये 3 आपके क्या है, लेखक हैं। इनकी रचना और साहित्यिक परिचय देना। फिर ख वाला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। या फिर ध्रुव यात्रा कहानी कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो बहादुर पंचलाइट मैं दोनों करवा दूंगा, ध्रुव यात्रा वाला भी करवा दूंगा, तीनों मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, थोड़ा धैर्य बनाओ, पूरा मैं आपका सिलेबस ही खत्म करवा दूंगा। स्वपठित खंड काव्य यार अपने जिले के अनुसार पढ़ लेना। श्रवण कुमार है, रश्मि रथी है, मुक्ति यज्ञ है, त्यागपति है, आलोक वृत्ति और सत्य की जीत, आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। फिर खंड ख है यहाँ पे, खंड ख जो है यह व्याकरण से, कहाँ से, व्याकरण से है, इसके संस्कृत का व्याकरण जो है। प्रश्न नंबर 8 का क और ख, ये गद्यांश है और ये क्या है आपका, पद्यांश। तो ये गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेना। वैसे मैं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट गद्य और पद्य है संस्कृत के, यानी जो महत्वपूर्ण श्लोक है, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आपका ये जो हो कवर हो जाए। इसके लिए बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिएगा, अगर है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुहावरा यहाँ पे 9 नंबर, 2 नंबर का आएगा 9वां। तलवार की धार पर चलना, टका सब जवाब देना, दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। अरे राम, रात को आप यहाँ पे जंगल में घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद आपका आएगा प्रश्न नंबर 10, अपठित गद्यांश। भाई इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लेना, ठीक है ना। इसको मैं करवा दूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर देंगे, चिंता मत करिएगा। ये कहीं किताब में नहीं रहेगा, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, बस पढ़ के इसका आंसर देना है। दो रहेंगे, या फिर उसका दीजिएगा या फिर ये दीजिएगा। 5 नंबर बिल्कुल पक्का करवाएंगे, आप टेंशन मत लेना। उसके बाद शब्द युग्म आएगा, जैसे वसन और व्यसन, तो वस्त्र और आदत हो जाएगा, 1-1 नंबर के हैं। अंबुज और अम्बुद, कमल और बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर, अंबर मतलब क्या होता है, आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है, और क्या होता है, वस्त्र होता है, पट विधि नाग। फिर यहाँ पे आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो नेत्र के सम्मुख हो, तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अब जो जानता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जानकार बोलते हैं। जो सब कुछ आता है उसे ज्ञानी है, जो मतलब समझने में सही है उसको क्या कहते हैं, बुद्धिमान है। फिर यहाँ पे वाक्य शुद्ध करके लिखना रहेगा, तो इसको कर सकते हैं। फिर रस छंद अलंकार, एक वीडियो में करवाऊंगा, 1 शॉर्ट वीडियो, धुआं धुआं सब करोगे। रस छंद अलंकार का एक वीडियो लेकर आऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको दूसरी वीडियो झाड़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, वैसे इसका मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। फिर प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 नंबर का आएगा। या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे, निबंध लिखने के लिए 9 नंबर का आएगा। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, तो इस पर क्या आने वाला है आपका, निबंध लेखन आने वाला। तो ये देख सकते हैं आपका मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, क्लास 12th हिंदी का। इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा, और 1-2 दिन में मैं इसका प्रॉपर पूरा सोल्यूशन भी दे दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के मिश्री पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।